फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में बैन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस साल की वह सबसे सुपरहिट फिल्म रही जिसने वह झंडे गाड़े जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड राजनेताओं समेत ऐसा कोई नहीं बचा जिसकी यह फिल्म देख आंखें और मन भावुक ना हुए हों, क्योंकि इस फिल्म ने उस दृश्य पर प्रकाश डाला जब कश्मीरी पंडितों को जबरन मारपीट कर उन पर बेरहमी से अत्याचार किया जाता था। बट अब इस फिल्म को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि इस फिल्म को सिंगापुर में यह कहकर बैन कर दिया गया कि यह भड़काऊ और एक तरफा फिल्म है। तो इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस सांसद और दिग्गज राइटर शशि थरूर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत की सत्ताधारी पार्टी द्वारा प्रमोट की गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में बैन कर दिया गया। एक्चुअली यह कहकर कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। तो दोस्तों, इस बात पर सख्त होते हुए द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें दुनिया भर में सराहना मिली बट सिंगापुर में बैन कर दिया गया। विवेक अग्निहोत्री ने आगे कहा कि शशि थरूर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगापुर में दुनिया का सबसे सख्त सेंसर बोर्ड है, जहां पर लीला होटल नाम की फिल्म को भी बैन कर दिया जाएगा। प्लीज कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। दोस्तों आपको बता दें, शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का निधन संदिग्ध हालत में हो गया था। दरअसल सुनंदा अपने पति शशि थरूर और पाकिस्तानी महिला पत्रकार के बीच अफेयर से दुखी थी। साथ ही साथ विवेक अग्निहोत्री का हाथ यहाँ भी नहीं थमा। उन्होंने आगे कहा कि शशि थरूर साहब, आपकी पत्नी भी एक कश्मीरी हिंदू थी और हिंदुओं के यहाँ मृत आदमी का सम्मान किया जाता है और आपको उनकी आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। विवेक अग्निहोत्री के साथ साथ द कश्मीर फिल्म्स के मुख्य अभिनेता अनुपम खेर ने भी शशि थरूर द्वारा कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने पर नाराजगी जताई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं और इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।